हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुनील क्लासेस। दिस इज अनिल। सो पे मैंने आज आम दशम क्लास रेष पाठटी डिस्कसन करवा एंड स्कूल्स गुड बाय को बहुत बढ़िया से पढ़ा आउ फाइनली आमको स्कूल्स को तो गुड बाय कह पड़ो नुह कि तो चलो पाठटे स्टार्ट करवा। बहुत सुंदर पाठटे रईटर बहुत बढ़िया से लिखिंट एंड ए पाठर आमको बहुत जिनस शिखबार अच्छी जो जो जिनस को आमको बर्तमान शिखा पड़ो कौन पाई ना आम बर्तमान स्कूल कैरियर को सारी सारे अलमोस्ट सारी सारे नुह कि सो तुमको तो टेस्ट परीक्षा सरीजी तो ऑब्वियसली तुमने वर्तमान धीरे 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 कॉलेज आड़ को अग्रसर हो नुह तुमको बहुत जिनस शिखा पड़ो स्कूल लाइफ रे किसी किसी जिनस जो शिखी वर्तमान से छोट पिलाड़ी जहाँ थी ये आमको स्किप करा पड़ो नुह किसी किसी जिनस को आमको ग्रहण करा पड़ो शिखा पड़ो टीचर मानक सो आज आम स्कूल गुड बाय बहुत बढ़िया सुंदर भाव में बुझाक चेषा करवा जे ए पाठटी एक्चुअली राइटर आमर कौन लिखिंट आम राइटर पिला अच्छे ये किए अच्छा लॉर्ड यूस्टेस पर्सी। ठीक अच्छे ये गोटे राइटर राइटर सो या विषय में प्रथम बुझीदे आम पाठ भितर को जी कौन लिखाई ओके चलो वन मिनट ओके तो अबाउट द ऑथर चलो अबाउट द ऑथर को विषय पढ़ दबा कौन लिखिं राइटर आमर एस ए स्कूल्स गुड बाय कन्वेज ए मेसेज टू स्कूल चिल्ड्रेन्स बाय लॉर्ड यूस्टेस पर्सी। एक्चुअली आमर ए एसेटा जो आम आज पढ़ाक जाऊँ स्कूल्स गुड बाय ये किसी मेसेज बा किसी बार्ता कन्वे जाए कन्वे मैंने कौन पहुँचाइबा ये किसी बार्ता पहुँचा चाहिए क्या पाखे चिल्ड्रेन मान पाखे पिला छात्र छात्री मान पाखे ये क्या द्वारा लिखा जाए लॉर्ड यूस्टेस पर्सी। ठीक अच्छे ये जड़े फॉर्मर मिनिस्टर थे एजुकेशन मिनिस्टर थे कौटे ब्रिटेन परीक्षा पचार। ठीक अच्छे आमर कौन लॉर्ड यूस्टेस पर्सी जड़े एजुकेशन मिनिस्टर थे कौटर ब्रिटेन ओके यू विल बेनिफिट फ्रॉम रीडिंग इट एज इट टेल स्टूडेंट्स हाउ टू बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग एंड सिटीजन इन फ्यूचर्स। एक्चुअली आज जदि आम यहाँ पढ़ा तेल आम जापर जे गोटे भल नागरिक आ गए भल मनीष केमी आम हो पार। ठीक अच्छे गोटे छात्र गोटे भल नागरिक भल मनीष केमी हो पार आज आमको से बेनिफिटा मिल पाठटा आज पढ़ले ओके गोटे छात्र किपर गोटे भल नागरिक आ गए भल मनीष हो पार आज ए पाठर जदि आम पढ़ा तेल आमको ए प्रकार बेनिफिट किसी मिल तो चलतु बहुत बढ़िया से विलंब न कर स्टार्ट करवा। ठीक अच्छे ओके सो पे मो हार्डवर्क गुड़ाक सैड रे मेनशन कर दे इट विल हेल्प यू लॉट एनीवेज ओके तो चलो पे स्टार्ट करवा दिस इज योर फाइनल ईयर इन स्कूल यह हूँ तुम शेष वर्ष स्कूल रे नुह कि तुम जब दशम क्लास पढ़ते तुम स्कूल कैरियर यहाँ हूँ शेष वर्ष यू विल से गुड बाय टू योर स्कूल सुन आफ्टर योर टेस्ट एक्जामेसन इज ओवर तुम मान स्कूल जो टेस्ट एक्जामेसन होपर अलमोस्ट तुम मान टेन्थर से जो कैरियरटा कौन हो शेष होवार आरंभ हो जा तो तुमको से समय कौन कह पड़ो स्कूल को गुड बाय कह पड़ो। ठीक अच्छे यू विल से गुड बाय टू योर स्कूल आफ्टर योर टेस्ट एक्जामेसन इज ओवर टेस्ट एक्जामेसन तुम मान स्कूल को गुड बाय कह पड़ो वोंट यू तुम कौन कर गुड बाय तुम कर ऑब्वियसली करिवो निहाती भाव कर आम स्कूल ना योर लास्ट डे एट स्कूल विल बी सोरोफुल सोरोफुल माने पिला माने होची दुखदायक भले कि बुझ एटा तुमर शेष दिन जो स्कूल थोड़ा बहुत दुखदायक थी तुमको भारी कष्ट लगे जे पिला बेलू एत बढ़िया बढ़िया सांग सहित मिसी मैम सार मैंने वन कैंड अफ गोटे बढ़िया फैमिली को आज मुझे छाड़ी जाऊँ बाहर को एमती गोटे किसी अनुभव हम पिला बेले कौन इच्छा होता स्कूल केमी पलि भल लगुनि कलेज केमी जी एम इंटरेस्ट होता ना किंतु एटा मानने सियोर जो तुमने जो दिन स्कूल तुम शेष दिन थोड़ा सेटा भारी दुखदायक थी मानने बहुत गोटे मिस कर स्कूल को। ठीक अच्छे एनिवेज चलो कौन लिखाई पढ़ा योर लास्ट डे एट स्कूल विल बी ए सोरोफुल वन एज यू आर गोइंग टू लिव इट फर गुड जदिव तुमने स्कूल को छाड़ी स्कूल को छाड़ कौन पाई यू आर गोइंग टू लिव इट फर गुड निजर भलपाई जदिव तुम स्कूल को छाड़ी जाऊ तथा भी तुम से शेष दिनटा बहुत सोरोफुल रहुत दुखदायक र नेक्स्ट वन अच्छी यू वोंट बी एबल टू एंजॉय लाइफ एट योर स्कूल्स एवर अगेन तुम्हें
ପୁଣି ଥରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫକୁ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ହେଇକି କେବେ ଆଉ ଆସିକି ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏନ୍ଜୟ କରୁଛ ତମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସକ୍ଷମ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲକୁ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼ ଦେଲ ମାନେ ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ସ୍କୁଲର ଲାଇଫକୁ ଆମେ ଆସିପାରିବା ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କଲେଜକୁ ଯିବା, ତାପରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରିବା, ଏମିତି ପଢ଼ି 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 ଯିବା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଲାଇଫକୁ ଆଉ ଆସିବାକୁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ୟୁ ଫିଲ୍ ଇମୋସନାଲି ଆଟାଚ ଟୁ ୟୋର ସ୍କୁଲ୍ସ, ତମେମାନେ ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ସହିତ ଇମୋସନାଲି ପୁରା ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଆଟାଚ ହେଇକି ଅଛ, ଏ ଜିନିଷଟା ତମେମାନେ ଯେଉଁ ଆଟାଚ ହେଇକିରି ଯେଉଁ ଅଛ ସ୍କୁଲର ସବୁ ସବୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ସବୁ ଜାଗା ସହିତ, ସେ ସ୍କୁଲର ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହଉ, ସେ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ ହଉ, ସେ ସ୍କୁଲର ଟିଚରମାନଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନସିପ୍ ହଉ, ସେ ସ୍କୁଲରେ ଏମିତି କିଛି ନଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବହୁତ ଭଲ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିକଜ ତମେମାନେ ଆଫ୍ଟର ସ୍କୁଲିଂ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କ୍ୟାରିଅରରେ ବିଜି ରହିବ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ରୁଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଆଣ୍ଡ ସେ ସମୟରେ ତମେମାନେ ରିଏଲି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଇମୋସନାଲ ଆଟାଚ୍ ହେଇକିରି ଯେଉଁ ତମ ସ୍କୁଲର ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ତମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ୟୁ ଫିଲ୍ ଇମୋସନାଲ ଆଟାଚ୍, ସେ ସମୟରେ ଇମୋସନାଲ ଆଟାଚ୍ ହେଇକି ରହିବ। ୱେନ୍ ୟୁ ସେ ଗୁଡ୍ ବାଏ ଟୁ ଇଟ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେଇଂ ଗୁଡ୍ ବାଏ ଟୁ ୟୋର ଓନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ତମେ ସ୍କୁଲକୁ ଗୁଡ୍ ବାଏ କହିବ ସେ ସମୟରେ ଏମିତି ଥିବ ଯେମିତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍, ଏ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଯେମିତି ତମେ ତମର ନିଜର ପରିବାରକୁ ଗୁଡ୍ ବାଏ କହୁଛ, ଯେମିତି କେଉଁ ଗାଁ ମାନେ ହଠାତ୍ ତମେ ଘରୁ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଗୁଡ୍ ବାଏ କହୁଛ, ଏ ପ୍ରକାର ଯେହେତୁ ସେଇଟା ବି ତମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲା, ତ ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତମକୁ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ବାଏ କହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ୟୋର ଏଜୁକେସନ୍ ଡଜଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୟୋର, କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିତ ତମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜାଗାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉନି, ଆକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ପଢ଼ିବାର ଅଛି ନା ଆମକୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ସ୍କୁଲିଂ ଲାଇଫ ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜ ଯିବା, ବହୁତ କିଛି ଯିବା, ୟେସ୍ ଗୁଡ୍ ବାଏ ଏଇଠି କାହିଁକି ଲେଖା ହେଲା, ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁଡ୍ ବାଏ ମାନେ ଟୋଟାଲି ଆମେ ଆଉ ରିଟର୍ନ ହେଇପାରିବାନି ସେ ଜାଗାଟାକୁ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ସୋ ଏ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବା ଚେଷ୍ଟା କର, ଏଇଟା ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉନି, ଠିକ୍ ଓକେ। ୟୁ ମୁଭ୍ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ ଟୁ ଦ ୱାଇଡର୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ୱାଇଡର୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ମାନେ ବିସ୍ତାର ଦୁନିଆ। ଏବେ ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ଆମେ ଥିଲେ, ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ମାନେ ଚାରିପାଖ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସେ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍କୁଲରୁ ଯେହେତୁ ରିମୁଭ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ୱାଇଡର୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ୱାଇଡର୍ ମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ବଡ଼ ବିସ୍ତାର ଦୁନିଆକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି। ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ୟୋର ସେଲ୍ଫ ଫର୍ ଫେସିଂ ଦ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଇନ୍ ଲାଇଫ, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନର କିଛି ସିଚୁଏସନ୍, ବହୁତ ହାର୍ଡ ହାର୍ଡ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର ୟୋର ସେଲ୍ଫ, ନିଜକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ତୟାର କରିବା ପାଇଁ, କେଉଁଥିପାଇଁ ଫେସିଂ ଦ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଇନ୍ ଲାଇଫ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବା ଆମ ଜୀବନରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି, ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଫେସ୍ କଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ସକ୍ଷମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ସ୍କୁଲରୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାହାରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହେଇଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରି କଲେଜ ଗଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ଆହୁରି। ରିଡ୍ ଦ ଲେସନ୍ସ ଟୁ ଲର୍ନ ହାଉ ଟୁ ଫେସ୍ ଦ ରିଆଲିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ, ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଲେସନ୍ଟା ପଢ଼ିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲର୍ଡ ୟୁଷ୍ଟେସ୍ ୱାର୍ସି ଲେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଠୁ ପଢ଼ିବା ଆଣ୍ଡ ଜୀବନର ସତ୍ୟତା କ'ଣ ସେ ଉପରେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଦ ଟେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ୟୁ ଆର୍ ନାଓ ଏବାଉଟ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲଣି। ଆଣ୍ଡ ବିଫୋର୍ ୟୁ ଗୋ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ୱି ଡିଜାୟାର୍ ଟୁ ସେଣ୍ଡ ୟୁ ଆୱାର ବେଷ୍ଟ ୱିସେସ୍, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ବା କିଛି ବେଷ୍ଟ ୱିସେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି କାହାକୁ, ତୁମମାନଙ୍କୁ, କ'ଣ ପାଇଁ, ଫର୍ ୟୁର ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ୱେଲ୍ଫେୟାର, ତମ ଜୀବନ ତମ ଭବିଷ୍ୟତର ମଙ୍ଗଳମୟ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଶୁଭକାମନା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଚାଲ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆମେ। ଅଲଦୋ ୟୁ ଆର୍ ପାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ ଇନ୍ ୱିଚ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ସୋ ମେନି ଇୟର୍ସ, ଅଲଦୋ ମାନେ କ'ଣ, ଯଦିଓ ତମେ ପାର୍ଟିଂ କରୁଛ ବା ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛ, ସ୍କୁଲ ଠାରୁ ଯଦିଓ ତମେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛ, ଯେଉଁଟାକି ତମେ ମେନି ଇୟର୍ସ ମାନେ ହାରାହାରି 10 ଇୟର୍ ପାଖାପାଖି ତମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ଯଦିଓ ତମେ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛ, ୱି ହୋପ୍ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ୟୁ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଫର୍ଗଟ୍, ତମେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ କ'ଣ, ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୋର ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫର୍ଗେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୋର ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଫିନିଶ୍ଡ, ତମେ ଏମିତି କେବେ ଭାବିବନି ଯେ ତମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଦଶମ ପଢ଼ିଦେଲ ନା ଆମ କାମ ସରିଗଲା, ଟେନ୍ଥ ସରିଗଲା, ତ ଟେନ୍ଥ ଚାଲ ଏବେ ବାହାରକୁ ପଳେଇବା କାମ କରିବ, ଏମିତି ଜମା ଭାବିବନି। ବିକଜ କରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ସ ଡିମାଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍, ଫର୍ ଦାଟ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ନେସେସରି, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଶିକ୍ଷାଟା ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଗଲାଣି, ତ ଏମିତି କେବେ ଭାବିବନି ଯେ ଆମର ଶିକ୍ଷାଟା ସରିଯାଉଛି ଏଠି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅର୍ଥାତ୍ ବାସ୍ ଏ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଅବଶ୍ୟ ପାର୍ଟିଂ ହେଇଯାଉଛ, କେଉଁଠୁ, ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛ, ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତମେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତେ ପଢ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ
मु आशा करुच्छे जे तुम ए सब जिन भूली जीवन जे तुम एम भाव जे योर एजुकेशन इज हियर फिनिश्ड तुम शिक्षा ये समाप्त हो जाए ये जिन ठीक अच्छे नेक्स्ट कौन इन व्हाट एवर ट्रेड और प्रोफेशन यू डिजायर टू फॉलो कहे ट्रेड मान कौन पे बेपार किसी भी जेकोसी बेपार हो प्रोफेशन प्रोफेशन मान हूँ वृत्ति जेकोसी बेपार हो जेकोसी वृत्ति यू डिजायर टू फॉलो तुम जब इच्छा थी किए भाव मुझे गोटे बड़ बिजनेसमैन भी मुझे एग्रीकल्चर फिल्ड में जी किए भाव मुझे डॉक्टर हेबी किए भाव मुझे पुलिस हेबी किए भाव मुझे टीचर हेबी सो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग थी पिला किए कौन है नो कि किए भाव मुझे डांसर हेबी किए भाव मुझे सिंगर हेबी तो तुम अकॉर्डिंग टू योर स्किल यू जस्ट थिंक राइट तो से हिसाब से आमको कौन करा पड़े व्हाट एवर ट्रेड हो कि से वृत्ति हो बेपार हो कि से वृत्ति हो तुम जहाँ इच्छा कर फॉलो कर यू विल सून फाइंड दैट देखिए तुम बहुत जल्दी शीघ्र से सब जिन पाइव इफ यू आर एम्बिशियस टू सक्सेड इन इट एम्बिशियस माने पिला माने होची उच्च अभिलाष ठीक अच्छे जदि तुमको अभिलाष जो तुम थिंकिंग जो तुम भावना उच्च थी जदि निश्चित भाव में तुम चिंता कर पार्थ जो कि जिन पाइबा टू सक्सेड इन इट यू मस्ट कंटिन्यू एजुकेशन निश्चित भाव में सब जिन तुम माइंड में किसी थी आगे किसी निश्चित भाव में तुम तुम एजुकेशन को कंप्लीट करने पड़ो ठीक अच्छे पे तो एथर आम कौन बुझे अलमोस्ट आम टेन्थ आम फ्यूचर को आमको डिसाइड करा पड़ो जे आमको कौन पढ़वार अच्छे सो अकॉर्डिंग टू आवर मान ड्रीम आमको कौन करा पड़ो ताकू धरिकी आमको आगे आगे बढ़िया पड़ो ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट कौन अच्छी सक्सेस इन लाइफ इज नॉट इजी सिक्योर इजी सिक्योर्ड मान कौन होने सिक्योर्ड मान हूँ न मिलवा सहजरे ठीक अच्छे जीवन में सफलता एत सहजे मिल जाए ना It only come to those who work hard and continue learning. एटा ता पे ही बहुत सहज आटा ता पे ही इट ओनली कम टू दोज सक्सेस से पाखक ही बहुत जल्दी आसे से पाखक आसे अर्ली पलि आसे जो मैंने कि वर्क हार्ड करती कठिन परिश्रम करती और कंटिन्यूसली पाठ पढ़ती ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट कौन अच्छे हार्डवर्क गुड़ाक मुझे हाइड्रे मेनसन करदे बुझी बुझी पढ़ मुझ बुझेला भी तुम साइड में नोटिस कर था कौन देखुची जब मोर किसी भी भूल थी मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट दबो ठीक अच्छे तो यू बुझ वेरी सुन मैंने जता शीघ्र यू विल रिक्वायर टू चूज ए ट्रेड और प्रोफेशन बहुत जल्दी तुम मानक निजर ट्रेड बा बेपार हो कि गोटे कौन सी भी वृत्ति हो से जिनको तुमको चिंता करा पड़ा बहुत जल्दी तुमको कौन कर चूज करा पड़ो बाछवाक पड़ो कौन टेन्थ पर पे कौन हो ना कैरियर गोटे पाथ माने गोटे आरंभ हो जाए जोटा कि आमको एबुड़ जो आम से जिनसा को लाइन टाक चूज न करवा आगे गले आम बहुत प्रोब्लम पड़ा ठीक अच्छे करेन्टली तुम पिला देखु एमलेस पे कौन सी प्रकार कार्य सक्सेस हूँ सो रईटर तुमको आगु एवेयर करदे जे जता शीघ्र तुमको किसी जिनस बाछवाक पड़ो गोटे से ट्रेड हो कि प्रफेसन तुम वृत्ति जब कौन चाकरी थी कौन बेपार वाणिज्य थी कि भी यू हाव टू चूज रईट नाउ ओके टेन्थ सर पूर्व ही सब जिन बाछवाक पड़ो नेक्स्ट कौन चूज विथ द ग्रेटेस्ट केयर बहुत जत्न सहकार बाछ जदि बाछ जत्न सहकार बाछ एंड अवॉइड एज फॉर एज मान हूँ यथासम्भव यथासम्भव तुम अवॉइड कर कौन यू कैन एनी अक्युपेसन दैट लीड्स नो वेयर मानने कौन कहते नो वेयर मैंने क्योंठी भी ना यथासम्भव से अक्युपेसन को अवॉइड कर जो अक्युपेसन की बर्तमान क्योंठी भी तार वैल्यू ना ठीक अच्छे सीमित अक्युपेसन को भावन जो अक्युपेसन बर्तमान तार कौन कार्य ना ओके सीमित अक्युपेसन को भाव जो थे कि तुमको भल लगुव तुमको भल लगे भाई अक्युपेसन सब बाछ ठीक अच्छे ओके एंड एवॉइड एज फॉर एज मैंने बहुत यथाशीघ्र तुम से जिनस को प्रतिहार कर जोटा कि यू कैन एनी अक्युपेसन दैट लीड्स नो वेयर मैंने बर्तमान कौटी भी ना से प्रकार एजुकेशन को तुम एवॉइड कर परिहार कर ओके नेक्स्ट कौन अच्छी एम रेदर एट वर्क दैट हेज इन इट प्रमिस अफ एन इंटरेस्टिंग एंड हैप्पी फ्यूचर एम रख एमती कम को एमती वर्क को तुम प्रमिस कर जोटा कि तुमको इंटरेस्टिंग आउ हैप्पी फ्यूचर खुशी करूब और निजर कौतूहल बढ़ु से प्रति एमती कम को सब माइंड सेटअप रख जो मत फ्यूचर ए जिनस कर जो कम को तुमको कौन कर हैप्पी फ्यूचर बा खुशी भविष्य देखुव आउ इंटरेस्टिंग बा तुमको कौतूहल लगुव तुमको आग्रह लगुव जो हाँ मत जिनस इंटरेस्ट अच्छे ठीक अच्छे नेक्स्ट कौन अच्छी एंड इफ इट फास्ट यू आर फोर्स्ड टू टेक ए जॉब दैट कैन ओनली लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम ट्राई टू गेट वन एज सुन एज पॉसिबल
दैट इज थ्रू योर लाइकिंग। माने एटा बहुत बड़ा जिनस कहुई बुझा चेष्टा कर कौन कहुई इफ यू आर फोर्स्ड जदि तुम बाध्य हो टू टेक ए जॉब जदि तुम गोटे जॉब कर बाध्य हो कौन मैं घर परिस्थिति खराब थी आमको कौन करा पड़ो जॉब करा पड़ो जदि से परिस्थित तुम्हें मैंने बाध्य हो किसी ना किसी काम करने देन दैट यू कैन ओनली लिस्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम जदि किसी कम समय पर शॉर्ट टाइम पर तुमको केवल किसी समय पर तुमको गोटे जॉब खोजा पड़ो बाध्य जॉब खोज फैमिली रे प्रॉब्लम चलती है देन ट्राई टू गेट वन एज सुन एज पॉसिबल ताले निश्चित भाव गोटे जॉब खोज जो यथाशीघ्र गोटे जॉब खोज दैट इज टू आर योर लाइकिंग माने कहिछि जोटा कि तुम मन पसंद होतबो सही प्रकार जिनस को तुम खोजा को चेष्टा कर ठीक अच्छे इफ एट एनी टाइम यू आर इन डाउट जो तुम्हें किसी जिनस डाउट रोच मैंने द्वंद्व में पड़ जाऊ कौन करी कौन ना को वर्क को जी कौन जब तुम निजे भी जापार ना तुम्हें तुम एम कौन तुम प्रफेसन को प्रकार चूज कर तुम किसी भी हेजिटेट किसी द्वंद्व थोड़ा एज टू द चॉइस यू शुड मेक डू नॉट हेजिटेट टू आस्क एडवाइस फ्रॉम वन ऑफ योर टीचर तुम्हें तुम प्रिय जी भी शिक्षक अच्छा तुम्हें पचारब के कौन करनी कुंठाबोध कर ना जदि किसी भी तुम फ्यूचर को लेकिन डाउट अच्छी जदि हठात तुमको कौन सी भी कम कर पड़ा ताले कौन कर कौन ना ये सब जिन तुम्हें निजे जापार ना निहाती भाव में तुम टीचर को पचार डेफिनेटली दे विल हेल्प यू राइट सो ए जिनसटा को आम चल पाराग्राफ्ट पूरा बढ़िया से पुणी थे पढ़ीदे कौन लिखाई ओके लिखी वेरी सुन यू विल रिक्वायर टू यूज ए ट्रेड अफ प्रफेसन मैंने बहुत शीघ्र जल्दी तुमको क्या पड़ा निजर ट्रेड अफ प्रफेसन को बाछवाक पड़ो चूज विथ द ग्रेटेस्ट केयर बहुत जत्न सहकार तुमको बाछवाक पड़ो एंड अवेयर एज फार एज यू कैन अक्युपेसन दैट लिड्स नो वेयर जो जिनस बर्तमान कौन सी कम ना से प्रकार अक्युपेसन को आमको बर्तमान अवॉइड करिया पड़ो परिहार करिया पड़ो एम रेदर एट वर्क दैट हैज इन इट द प्रमिस इमित जिनस को आमको प्रमिश करा पड़ो जो जिनस कि आमको खुशी दूथ और आमको आग्रह लगुव ठीक अच्छे फ्यूचर खुशी देव आउ इंटरेस्टिंग आउ फ्यूचर हैप्पी कर ठीक अच्छे एंड इफ एट फास्ट यू आर फोर्स टू टेक् ए जॉब दैट यू कैन ओनली लास्ट फर ए शॉर्ट टाइम जदि परिशेष तुम बाध्य हो कौन भी कम करने ट्राई टू गेट वन एज सुन एज पसिबल बहुत जल्दी शीघ्र तुम नहीं जाओ जब मन तुम फैमिली रिक्वयरमेंट डिमांड थी दैट इज योर लाइकिंग जोटा नब जोटा कि तुमको पसंद लगुव पड़ो से प्रकार जीवन से प्रकार कार्य को ग्रहण कर सब इफ एट एनी टाइम यू आर इन डाउट जदि कौन भी द्वंद्व पड़ल एज टू द चॉइस यू शुड मेक डू नॉट हेजिटेट तुम के कुंठाबोध कर कौन पचार कौन कर टू आस्क एडवाइस तुम एडवाइस नाप तार एगेन्स्ट तुमको कौन शिखबार अच्छी तुमको किसी प्लान जो आवश्यक अच्छी काड़ शिक्षक शिक्षकों को जाकि पचार ठीक अच्छे ओके चलो नेक्स्ट कौन अच्छी देखा तो चलो पिला माने वर्तमान आम नेक्स्ट पाराग्राफ कौन लिखा है पढ़वा सक्सेस इन लाइफ डिपेंड लार्जली ऑन गुड हेल्थ जीवन में जदि आमको सफलता पाइबा को पड़ो ता गोटे सुस्थ शरीर उपर मध्य निर्भर करुच्छी तो यठू आम कौन बुझे आमको सदा सर्वदा सुस्थ रहा पड़ो नुह कीप योर बॉडी फिट निज बॉडी को सब फिट रख ठीक अच्छे तो फिट केमी रोक क्लीनिंगनेस द्वारा सफा सुतरा रहा पड़ो फ्रेश एयर गोटे जो सुस्थ एयर मिले सफा एयर मिले से जिनको आम एन एल एक्सएल करा पड़ो नुह रेगुलर हैबिट जो रेगुलर हैबिट अच्छे आमको कंटिन्यू करा पड़ो आ भल रेगुलर हैबिट को एक्सेप्ट करा पड़ो एंड सुइटेबल रिक्रिएशंस रिक्रिएशंस रो मीनिंग होछ माने चित्त विरोधन ठीक अच्छे चित्त विरोधन एक्जाक्टा मुझे जानी किंतु रिक्रिएशंस माने चित्त विरोधन ठीक अच्छे तो ओवरऑल आम बुझी जा लास्ट रे मेक योर सेल्फ स्ट्रंग टू प्ले द गेम खेलकूद में निजी कौन कर स्ट्रंग करने को पड़ो इमित ना खेलटा नेसेसरी ना लाइफ रे सब जिनस नेसेसरी ठीक अच्छे एंड टू डू इट एवरी सेन्स अफ द वर्ल्ड एवरी सेन्स अफ द वर्ल्ड मान हूँ पे निज ज्ञान अनुसार करवा ठीक अच्छे निज ज्ञान अनुसार सबकि चेष्टा कर एवॉइड एनिथिंग से सब जिनस को प्रतिहार कर दैट विल साप योर हेल्थ साप मिनि पे ग्राजुआली विकनेस ग्राजुआल विकनेस अर्थ हो धीरे 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 दुर्बल करदे जो जिनसटा शरीर को धीरे 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 दुर्बल करुच्च से जिनस को अवॉइड कर से जिनस को प्रतिहार कर दि स्मोकिंग इन योर यूथ स्टंट द बॉडी स्मोकिंग माने कौन धूम्रपान कर धूम्रपान करें
ସେଇଟା ଆମ ବଡିକୁ ଷ୍ଟଣ୍ଟସ୍ କରୁଛି। ଷ୍ଟଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣରେ, ଷ୍ଟଣ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଧୂମ୍ରପାନ ଆମ ବଡିର କ'ଣ କରୁଛି, ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଣ୍ଡ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ଦ ବ୍ରେନ୍, କ୍ଲାଉଡ୍ସ ମାନେ ଜାମ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଆମ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ମାନେ ବାଦଲ ମାନେ କେମିତି ଆକାଶରେ ବୁଲିଥାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମିତି କ'ଣ କରିବ, ସ୍ମୋକିଂ ଗୋଟେ ଧୂଆଁଟା କ'ଣ କରିବ, ସେ ବାଦଲ ଭଳିଆ ନା ନାହିଁ, ସେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କରିଦେବ, ଜାମ୍ କରିଦେବ, ବ୍ରେନ୍କୁ ପୁରା ଜାମ୍ କରିଦେବ। ବି ଟେମ୍ପରେଟ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଟେମ୍ପରେଟ୍ ମାନ ବୋଲେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଏଣ୍ଡ ବିୱେର୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ, ବିୱେର୍ ମାନେ କ'ଣ, ଦୂରେ ରହିବା ମାନେ ମଦ୍ୟପାନଠୁ। ଡ୍ରିଙ୍କ ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ଡ୍ରିଙ୍କ ମାନେ, ଡ୍ରିଙ୍କସ ମାନେ ମଦ୍ୟପାନ, ୱାଇନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆମକୁ ଦୂରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡେଡ଼ଲି ଏନିମି ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଏଫିସିଏନ୍ସି, ଏଫିସିଏନ୍ସି ମାନେ ହେଉଛି ଦକ୍ଷତା। ଡେଡ଼ଲି ଏନିମି ମାନେ ଚର୍ମ ଶତ୍ରୁ, ହେଲ୍ଥ ମାନେ ଶରୀର, ଶରୀର ଦକ୍ଷତାରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠୁ ଚର୍ମ ଶତ୍ରୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଚାଲ ଏ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ଏଗେନ୍ ଲେଖିଛି, ସକ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଡିପେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ଇନ୍ ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ, ଭଲ ଶରୀର, ଠିକ୍ ଅଛି, ବଡିକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ୍ଲିନିଂନେସ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫ୍ରେଶ୍ ଏୟାର୍, ରେଗୁଲାର ହେବିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ଉପରେ ଆମକୁ, ସୁଇଚେବୁଲ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ବା ପ୍ରତିକୂଳ ଜାଗା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାଲାନ୍ସିଂଲି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେକ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟୁ ପ୍ଲେ ଦ ଗେମ୍, ନିଜକୁ ଖେଳକୁଦରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ବା ଖେଳକୁଦରେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ରଖିଲା ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଡୁ ଏଭ୍ରି ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଆଉ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଆମ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଭଏଡ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଜ୍ ସାପ୍ ଆୱର୍ ହେଲ୍ଥ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମ ଶରୀରର ବାଧା, ବୃଦ୍ଧିର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ମୋକିଂ, ଯେଉଁ ଆମେ ଧୂମ୍ରପାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ସେ ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ମାନେ କ'ଣ କହିଲି, ବ୍ରେନ୍କୁ ଜାମ୍ କରିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମଦ୍ୟପାନଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ବି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିୱେର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିୱେର୍ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କହିଥିଲି, ନୁହଁ କି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଡେଡ଼ଲି ଏନିମି ମାନେ ଶତ୍ରୁ, ଏମାନେ ଆମର କ'ଣରେ, ଡେଡ଼ଲି ଡେଡ଼ଲି ଏନିମି, ଡେଡ଼ଲି ମାନେ ହେଲ୍ଥର, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚର୍ମ ଶତ୍ରୁ, ଚର୍ମ ଶତ୍ରୁ ଯେଉଁମାନେ, ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ, ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ସେମାନେ ଆମଠୁ ଦୂରେ ରହିବେ, ସେମାନେ ତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଆମକୁ ଦୂରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନୁହଁ କି। ରାଇଟର ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ନାହିଁ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ କ'ଣ ଅଛି, ଏବଭ୍ ଅଲ୍ ରିମେମ୍ବର ଦାଟ୍ ୟୋର୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରାଇସ୍ଲେସ୍ ପୋଜିସନ୍ସ। ଉପରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯାହା ବି ପଢ଼ିଲେ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ରିମେମ୍ବର କରିବ, ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ, ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍ ମାନେ ୟୋର୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ତମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲେ ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ଲେସ୍ ବା ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି ସମ୍ପଦ, ତମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଏ ଜିନିଷଟା କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। କିପ୍ ଇଟ୍ ଦେର୍ ଫର୍ ଅଣ୍ଟ୍ରାନିସିଡ଼ ମାନେ ପିଲେ କ'ଣ, କଳଙ୍କଯୁକ୍ତ, ସବୁବେଳେ ତାକୁ କଳଙ୍କଯୁକ୍ତ ବା କଳଙ୍କ ଲାଗିବାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ତମ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉପରେ ଦେବ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ, ତମ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ଲେସ୍, ସରି କ'ଣ, ହଁ ପ୍ରାଇସ୍ଲେସ୍ ମାନେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ପୋଜିସନ୍ ମାନେ ସମ୍ପଦ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିପ୍ ଇଟ୍ ଦେର୍ ଫର୍ ଅନ୍ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ସଡ଼, ଅନ୍ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ସଡ଼ ମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲି ତମକୁ, ଯେଉଁ କଳଙ୍କ ଲାଗେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ତମ ମାନେ ତାକୁ କଳଙ୍କ ଲାଗିବାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ। ଓକେ, ବି ଟ୍ରୁଫୁଲ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସତ୍ୟତାର ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ବି ଟ୍ରୁଥଫୁଲ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା, ଟ୍ରୁଥଫୁଲ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସତ୍ୟତାର ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସତ୍ୟବାଦୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯଦି ରିଅଲ୍ରେ ରହିବା, ଫ୍ୟାକ୍ଟରେ ରହିବା, ଡେଫିନେଟଲି ଆମ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ ନା ନାହିଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି, କନ୍ସିଡରେଟ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରିବଡି, କନ୍ସିଡରେଟ୍ର ମିନିଂ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବିଚାରଶୀଳ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମକୁ ବିଚାରଶୀଳତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଚାରଶୀଳତା ହେଇକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ନୁହଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଇଯିବ, ସେମିତି ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ କ'ଣ ହେଲେଣି ନା, ବଡ଼ ପିଲା ହେଲେଣି, ତ ଆମକୁ କନ୍ସିଡରେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଚାରଶୀଳତ ହେଇକିରି ମାନେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭଳିଆ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫେୟାର୍ ଟୁ ୟୋର୍ ରାଇଭାଲ୍ସ, ରାଇଭାଲ୍ସ ମାନେ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଲେଖା ଅଛି, କନ୍ସିଡରେଟ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରିବଡି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବିଚାରଶୀଳତା ହେଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫେୟାର୍ ଟୁ ୟୋର୍ ରାଇଭାଲ୍ସ, ଓକେ, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଫେୟାର୍ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ହୁ ଆର୍ ୱିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସଫରିଂ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଦୟାଳୁ ରହିବ, ତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ତମର ଯିଏ ବି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, କେବେ ମନ ଖରାପ ମନୋଭାବ ତା ପ୍ରତି ରଖିବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ତା ପ୍ରତି କ'ଣ ରହିବ, କାଇଣ୍ଡ ରହିବ, ଦୟାଳୁ ରହିବ, ଆଉ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି। ଅଲ୍ ହୁ ଆର୍ ୱିକ୍, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସଫରିଂ ହେଉଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ବି ଯଦି ମନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଣ୍ଡ ଡୁ ନଟ୍ ବି ଆଫ୍ରେଡ୍
केबे मत्यो भय करिवो नाही, टू हैव करेज टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज गुड, सत्य सहित छिड़ा केबे मत्यो केबे मत्यो भय करिवो नाही। प्योर एंड नोबल, प्योर माने कौन पिला माने सफा, नोबल माने होचे उत्तम, केबे मत्यो सठिक बा भलो, आउ प्योर आउ नोबेल ए तीनटा जिनस एगेन्स्ट जदि छिड़ा हो पड़ो सब आमको साहस रखा पड़ो। करेज माने कौन साहस को क्रिएट करा पड़ो, ठीक अच्छे क्रिएट करने पचर जब किसी भी प्रोब्लम थी आमको एवं भय करवा ना, ठीक अच्छे कौन सत्य पचर जब आम रही सब आमको भय छाड़क पड़ो। एवर्ड ग्रैम्बलिंग इन एव्री फ्रम, ग्रैम्बलिंग माने कौन पे जुआ खेल, जुआ खेल को प्रतिहार करने को पड़ो सब क्षेत्र में। इट इज मीन गेम, मीन माने पे नीच कहना, तू गोटे नीच स्तर पिलाटा, हाउ मीन यू आर माने तू के नीच स्तर एमती कहूब शुणी थो, तो यहाँ हूँ गोटे मीन गेम, कौटा जुआ खेलटा हूँ गोटे सब बड़ मीन गेम, तो आम कौन करवाकू पड़ो ना ए मीन गेम मानक आम कौन कर दूर रही पड़ो। जुआ मान पे गैम्बलिंग परीक्षा आसव, ठीक अच्छे क्वेश्चन बुझिकी लिखु एंड ट्राइंग टू गेट समथिंग फर नथिंग एंड इट्स समबडीज कॉस्ट, तो ये कौन कहला एवॉइड गैम्बलिंग इन एवरी वे माने जुआ खेल को सब जगह सब स्थान में कौन कर एवॉइड कर प्रतिहार कर। इट इज ए मेन गेम ट्राइंग टू गेम समथिंग, ये गोटे बहुत छोट खेल छोट छोट प्रकार गेम जोटा कि ट्राइंग टू गेट समथिंग किसी गोटे पाइबा आशा, जुआ खेल कौन किसी गोटे पाइबा आशा आम सब जिन लस कर दौन ना आम साधारण कौन टे आमको मिली बोले आम इनमेंट कर दौन देन आम लस पड़ जाऊ नु कि सो सी लिखुंट। इट इज ए मेन गेम एटा गोटे नीच स्तर गेम कौन टू ट्राइंग टू गेट समथिंग किसी जिनस पाइबा को फर नथिंग एंड एट समबडीज कॉस्ट, किसी जन गुड़ किसी पाइबा को आमको किसी जिनस मान कि जिनस लाभ रहा ए प्रकार गेम इनवल्व रहा कथ नुह, ठीक अच्छे सो ए प्रकार गेम को आमको प्रतिहार करने को पड़ो। ओके नेक्स्ट कौन अच्छी मेक प्रोविजन फॉर हार्ड टाइम, प्रोविजन माने पिला माने भविष्यतर योजना, निजर भविष्यतर योजना बा कष्टर समय रे निजर भविष्यतर योजना को सब तैयारी करबा आरंभ करो, ठीक अछि कोन करबो कोन नै से सब जिंस उपरे थिंक करबा आरंभ करो। ओके नेक्स्ट कौन लगाय छि इन योर लेजर आवर, लेजर आवर माने होछि हमरो काम नथिबा समय रे। एवर्ड मेराइडलिंग, मेराइडलिंग माने पिला माने होछि आलस्य, काम नथिबा समय रे निजर आलस्यपण जो अछि ताको सबले प्रतिहार करबा को चेष्टा करबो, सबले निजो को बिजी रखबा को चेष्टा करबो। बस फिल सच आवर विथ इंटरेस्टिंग हॉबीज, निजर निजर समय को जो फालतू समय को जो अतिवाहित करें फालतु में फालतू समय तो कौन जिनस ना आम जो कम ना समय जो आम एपट सेपट कम कर निजर टाइम पास करते हे समय निजर हॉबी रे बिजी रखा चेस्ट कर, ठीक अच्छे केमी गुड बुक भल बही पढ़ एंड विथ कंपेनियनशिप, कंपेनियनशिप मीनिंग हूँ आमर सांगसाथी सह समय बीतवा एंड एसोसीएसन कैलकुलेटेड टू एक्सरसाइज ओवर यू आर इनफ्लुएंसड फर गुड, ठीक अच्छे एसोसीएसन कालकुलेट टू एक्सरसाइज मान हूँ आमर कौन यहाँ कालकुलेट टू एक्सरसाइज मैंने स्थिरकृत कार्यकलाप निजो कौन कर सांगसाथी सहित मिसेब आउ स्थिरकृत कार्यकलाप निज कौन कर ओवर स्थिरकृत कार्यकलाप एसोसीएसन कर एसोसीएसन मान हूँ जड़ित रखा, ठीक बुझ भले ही एसोसीएसन कैलकुलेटेड टू एक्सरसाइज ओवर, एक्सरसाइज ओवर मैंने ये कही निजकू जड़ित रख कौ काम कैलकुलेटेड टू एक्सरसाइज ओवर, ठीक अच्छे मैंने से कहते स्थिरकृत कार्यकलाप निजक जड़ित रख। ओके ओवर यू आर इनफ्लुएंस फर गुड तापर तुम्हें सेटा तुम उपर सुप्रभाव पड़ो, ठीक अच्छे ओवरअल ये कहते जे टाइम को वेस्ट करनी टाइम को इमिटी इनभेस्टमेंट कर ना इमिटी जगह जड़ित रख जमी से तुमको सुप्रभाव पकेब, ठीक अच्छे नेक्स्ट कौन अच्छी टू ए लार्ज एक्सटेंट, लार्ज एक्सटेंट मैंने बहुत दिन धरी यू विल बी नो बाय द कंपनी यू कीप, तुम्हें बहुत दिन पर देख तुम्हें बहुत बढ़िया कंपनी गोटे पाइ कंपनी मैंने कौन पे मैंने बहुत बड़ा बढ़िया गोटे फ्रेंडसीप बंड भाव में तुम रही जाइ, ठीक अच्छे यही प्रकार थिंकिंग जो रख निश्चित भाव में तुमने बहुत बढ़िया गोटे फिल्ड पाव आउ बहुत एटमोसफियर बहुत भल एटमोसफियर बहुत भल बंडिंग गोटे मिल, ठीक अच्छे विथ ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, साउंड मान मान साउंड माइंड रो मीनिंग होची पेला माने सुस्थ मन गोटे सुस्थ मन रे गोटे सुस्थ शरीर। ओके ए गुड कैरेक्टर गोटे उत्तम चरित्र एंड कोट्रेस मैनर, कोट्रेस मैंने मीनिंग होची भद्र आ मैनर मीनिंग होची व्यवहार आ गोटे भद्र व्यवहार एंड लॉयलिटी टू द ड्यूटीज, लॉयलिटी मैंने कौन पे मैंने आनुगत्य ड्यूटी मैंने निजर आनुगत्य कौट रहा पड़ो टू द ड्यूटीज ऑफ नेशन निजर
नेसन प्रति कौन करने पड़े निजुक आनुगत्य करने पड़े इट्स ए हाई आइडल यह गोटे भल गोटे कौन हम आदर्श परिणत हम यू विल बाय गॉड्स ग्रेस एमती हेल्ले तुम मैं मानते भगवान दया प्राप्त हो ओके नेक्स्ट क्या कही बी ए क्रेडिट टू योर फैमिली जदि ये तुम ओके सब जिन क्रेडिट कौट जीव तुम फैमिली पाक जीव ए गुड सिटीजन तुम कौन कर भल गोटे नागरिक हो पार एंड योर होल लाइफ तुम पूरा जीवन में तुम गोटे भल नागरिक नागरिक भाव में परिणत हो पार आउ कौन रियल सक्सेस हो पार आस्तरे सीरीयसली गोटे भल सफलता पाइपर ठीक अच्छे चल ये पुणी थे बहुत बढ़िया से बुझा कौन लिखाई विथ ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी गोटे सुस्थ मन सह गोटे सुस्थ शरीर ए गुड क्यारेक्टर गोटे उत्तम चरित्र भाया गोटे भल नागरिक हो पार कर्टियस मैनर मान कौन भद्र व्यवहार एंड लोयालिटी टू द ड्यूटीज ऑफ योर नेशन निजर नेसन निजर जातीय कौन कर आनुगत्य जाहिर करजक लोयालिटी रखा पड़ो ठीक अच्छे एंड इट्स हाई आइडियल यू विल बाय गॉड्स ग्रेस मैंने भगवान दया गोटे बहुत आदर्श जिन जो तुम कर टू बी ए क्रेडिट टू योर फैमिली तुम फैमिली को बहुत सारा गर्व जीव जो तुम्हें फैमिली मैंने गर्व करेंगे ए गुड सिटीजन तुम भल नागरिक एंड योर होल लाइफ ए रियल सक्सेस ताले तुम पूरा जीवन में तुम निश्चिंत भाव में भल सफलतार पहुँची पार तो पाने सुंदर बाटे जो थी आम बहुत बढ़िया से आज पढ़ा कम्प्लीट कर देखो तुम समस्त हार्डवर्क गुड़क बुझीपार एंड ये पाठटा आम बहुत इंपोर्टाट परीक्षा एथर बहुत क्वेश्चन आसे एंड स्कूल गुड बाय गोटे हैप्पी पाठ तो ना कि हाँ आमको बहुत जिन शिखा मिलूँ रईटर आम एमती किसी जिनस जो थे कि आमको फ्यूचर प्लानिंग करने बहुत जिनस सो यहाँ गोटे नेसेसरी जिनस बिकम ए गुड स्टूडेंट रईट सो एनीवेज आम कौन कर हार्डवर्क गुड़ाक तुम मैंने सब पज करके लिखिद ठीक अच्छे चलो हार्डवर्क गुड़ाक लिखिद एंड बर्तमान आम विदाय नवा ओके समस्त बहुत बढ़िया से पढ़ थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब कर।